क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अरे बोला तो है यहाँ पे स्टेज नहीं लगेगा, स्टेज यहाँ पे लगेगा। और बात सुनो, मेहंदी का स्टेज भी यहीं लगेगा, ये ध्यान में रहे। फिर दोहराना तो नहीं पड़ेगा ना? बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए इतनी देर से काम कर रहे हो, पी लो। ना बाबा ना, मुझे लगता है तुम्हें ना फिर से वही वाला दौरा पड़ा है। अभी तुम मुझे जूस पिलाओगी, फिर रात को खाना भी नहीं खाने दोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या असर हो गया था मेरा? लेकिन आज अपनी भूख का पक्का इलाज करके आया हूँ मैं, जरूरत नहीं पड़ेगी। चले, मैं बस कल गुस्से में थी थोड़ा सा, और इतनी भी जालिम नहीं हूँ अब कि तुम्हें भूखा मार दूँ। तुम्हारे गुस्से ने मेरा असर कर दिया, और वैसे भी कुछ पता नहीं है तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं, बहुत काम पड़ा है। देखो, एक मजाक तुमने किया, एक मजाक मैंने कर लिया, तो हिसाब बराबर ना? सच में आई एम सॉरी, दोस्ती कर ले। दोस्ती लफ्ज पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। पूरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। जानती हूँ दोस्ती का मतलब, लेकिन अगर तुम्हें शक है कि मैंने इस जूस में तुम्हारे लिए कुछ मिलाया है, तो पहला सिप मैं ले लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। क्या कह रही हो? वो और काम। हाँ, मुझे तो लगता है सूरज मगरिब से ही निकला आज। मैं भी यही सोच रही थी। जरा सोचो, फरहाद भाई और सुबह सवेरे उठ के काम पे जाना कयामत की निशानियों में से एक है। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे ना ये बड़ी कोठियों और हवेलियों वालों से बड़ा डर लगता है। बड़े ही मतलबी किस्म के लोग होते हैं ये। इन्हें जब जरूरत होती है ना, तो तभी याद करते हैं। हाँ पता नहीं, अब्बा तो खुश है कि बेटा काम पे लग गया है, लेकिन पता नहीं फरहाद भाई का क्या दिल है, दिल लग भी रहा है कि नहीं। तुम्हें तो पता है अपने दिल के बादशाह हैं। पढ़ने पर तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं माई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये खतरनाक खेल खेलना चाहिए। इन लड़कों का क्या भरोसा भाई, बात का बतंगड़ बनाने में जरा देर नहीं लगाते। और माँ जी ने जो फकीरा नामी बॉडीगार्ड हमारे पहरे पर लगा रखी है, उसका क्या? अरे भाभी, क्यों परेशान हो रही है? चार दिन की तो बात है, और वैसे भी हमने यहाँ से चले जाना है। हमने कौन सा पूरी जिंदगी यहाँ रहना है? और फिर इन चार दिन तक ही मजनू हमारे बड़े काम भी आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माही। तुम बस डरती रहना, मुझे बताओ फारिस से मिलना है कि नहीं? मिलना तो है, मगर अगर मगर कुछ नहीं, फिर मुझे मेरे प्लान को फॉलो करने दो, वरना लेकर बैठी रहना फारिस की नाराजगी और रोती रहना, मेरे पास ना आना शिकायत लेकर। क्या प्लान है तुम्हारा? मैं बताती हूँ। आंटी, आजकल तो कोई भी इवेंट हो, मेहंदी हो, मायूं हो, बारात हो, ड्रेस के हिसाब से ही मेकअप होता है। तो मैंने सोचा कि रिदा को मैं एक बहुत अच्छे पार्लर लेकर जाऊंगी, उसका मेकअप कराऊंगी, उसे प्यारा बनाऊंगी,
और वैसे भी शादी तो आंटी एक ही बार होती है ना, रीता की सारी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शहर में शिफ्ट होने के बावजूद भी हम कहीं कहीं पुराने ख्यालात के लोग हैं। ये दिखाइएगा मुझे, यहाँ ये वाला। हमें इस तरह से माइयों की दुल्हन का बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे थोड़े वहमी हैं हम इस मामले में। मेरी सास कहती थी कि ये बशगुनी होती है, लड़की पर किसी भी बाहर वाले की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए तो मैंने शहर की सबसे बड़ी ब्यूटिशियन को बुलाया। ये ग्रीन वाला दिखा। लेकिन आंटी वो पार्लर वाला मेकअप घर पर कैसे हो पाएगा? मैं रिदा को पक्का 2 घंटे में वापस ले आऊँगी, आप अंकल से बात करके देखिए ना। नहीं बेटा, मैं इसकी तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकती। आंटी मगर एक अगर मगर कुछ नहीं बेटा, माना कि हम बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमारी रस्म और रिवाज रिवायतें अभी भी अपनी जमीन से ही जुड़ी हुई हैं। दिखाएगा तुम तो बेटा खुद एक रिवायती खानदान से हो, इन बातों को अच्छी तरह से जानती हो। जी आंटी मैं समझती हूँ। बस अब इस बारे में और कोई बहस नहीं, 2, 4, 6 जितनी ब्यूटिशियंस बुलानी है बुला लो। रिदा घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी, अभी अपनी रुखसती के बाद ही घर से बाहर निकलेगी। जी आंटी ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये इसके साथ जाएगा। देखो काम आपने बहुत प्यारा करा है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा कमाल, बहुत खूबसूरत काम है माशाल्लाह।